नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। मामला है मेडिकल कॉलेज का हिस्सा सरकारी ट्रॉमा सेंटर का। जब सरकारी ट्रॉमा सेंटर में गंभीर घायल को लगाए गए मोबाइल की रोशनी में टांके, जी हाँ, बिजली जाने के बाद जनरेटर की भी नहीं कोई सटीक व्यवस्था, अगर है तो क्यों नहीं लिया जाता प्रयोग? आखिर कौन है यहाँ के इंचार्ज और क्यों बरत रहे हैं व्यवस्थाओं में लापरवाही? जी हाँ, मेडिकल कॉलेज का हिस्सा सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एक बहुत ही अति संवेदनशील दृश्य देखने को मिला। जब थाना खैरगढ़ क्षेत्र सांखनी निवासी 20 वर्षीय अवधेश पुत्र श्री कृष्ण को उसके परिवार के लोग सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल होने पर लेकर आए। यहां आपातकालीन हालातों में इलाज दिया जाता है, परंतु इस मरीज के इलाज के दौरान जो दृश्य सामने आया उससे एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ पर उपचार में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का अभाव है। अचानक से इलाज के दौरान बिजली चली गई तो इतनी व्यवस्था नहीं कि जनरेटर चलाकर उपचार दिया जाए। काफी देर तक कोई व्यवस्था नजर न आने पर यहाँ स्टाफ कर्मचारियों ने मोबाइल की टॉर्च रोशनी में उपचार देना शुरू किया। इसी रोशनी में टांके लगाए गए। पूर्व में भी उस तरह के कई मामले चर्चा में आते रहे हैं जिनके संज्ञान आने के बावजूद व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। इस खबर से हमारा सिर्फ यही कहना है कि आखिर यहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी है और क्यों यहाँ ऐसी लापरवाहियां अक्सर होती रहती हैं। फिलहाल ये स्पष्ट हो गया कि सरकारी ट्रॉमा सेंटर में व्यवस्थाएं महज नाम मात्र की हैं। यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं उन्हें इस दिशा में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ की लापरवाही से कोई बड़ी बात ना बन जाए। फिरोजाबाद से देखें शेखर यादव की रिपोर्ट। दवाई लगा दे उनके बाहर जाओ तुम लोग। दवाई लगा दे उनके बाहर जाओ तुम लोग। क्या नाम है आपका? ये जो टांके लग रहे थे कौन है आपके? मामा जी है मेरे। तो आप मोबाइल की रोशनी से क्यों लगवा रहे थे? क्या वो लाइट खराब थी? तो क्या दिखा रहे थे? मोबाइल दिखा रहा था। रोशनी उसमें से? हाँ। यहाँ लाइट है नहीं है? कहाँ से लाए इनको? शादी पड़ता है खैरगढ़ के पास, वहाँ हुआ था। क्या हुआ था? एक्सीडेंट, मतलब चोट लगी थी मुझे। तो यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी? व्यवस्था ही तो नहीं थी, बस तो मैं लाइट क्यों दिखाता? वो भी मोबाइल की? हाँ, वो भी मोबाइल की।